ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत भारतीय डाक सेवा के कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है, जिसके चलते मंडी शहर में सैकड़ों डाक कर्मियों ने रैली निकालकर विरोध किया। इस दौरान केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए ग्रामीण डाक कर्मियों ने कहा कि ये उनकी मजबूरी है कि अब हड़ताल करना जरूरी है। इस अवसर पर अखिल भारतीय ग्रामीण डाक कर्मचारी संघ के मंडलीय महासचिव युद्ध कुमार शर्मा और मंडलीय प्रधान अनिल शर्मा ने कहा कि ये अनिश्चितकालीन हड़ताल मंगलवार सुबह 6:30 बजे से शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि ये हड़ताल ग्रामीण डाक सेवकों का 7वां वेतन आयोग लागू न करने के विरोध में की जा रही है। उन्होंने कहा कि 2014 में केंद्र सरकार और डाक विभाग ने ग्रामीण डाक सेवकों को 7वें पे कमीशन लागू करने को लेकर कमलेश चंद्रा की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की थी। इस कमेटी ने 2016 में अपनी रिपोर्ट सरकार व विभाग को सौंप दी, मगर आज तक सरकार और विभाग की दोगली नीति के कारण इसे लागू नहीं किया गया है। उन्होंने ऐलान करते हुए कहा कि ये हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक प्रधानमंत्री की ओर से रिपोर्ट लागू करने के आदेश जारी नहीं किए जाते हैं। हमारी ये हड़ताल केंद्र के आह्वान पर 22/5/2018 से सुबह 6 बजे से शुरू हो गई है। इस हड़ताल में सरकार और विभाग के द्वारा हमारे वेतन भत्तों के स्ट्रक्चर को तैयार करने के लिए एक कमेटी का गठन 2014 में किया था। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट नवंबर 2016 को सरकार और विभाग को सौंप दी, लेकिन आज दिन तक विभाग ने और सरकार ने हम जीडीएसों को धोखे में और कपट से छलते रहे। 6 महीना तक वित्त मंत्रालय में हमारी एक जीडीएस कमेटी की फाइल रही, उसके बाद वहां से होने के बाद अब कैबिनेट में ये हमारी ये रिपोर्ट पहुंची है, लेकिन 4 महीना कैबिनेट में भी इसको पेंडिंग विचाराधीन पड़ी हुई है। तो इस कमलेश चंद्रा समिति की रिपोर्ट 7वें पे कमीशन को लागू करने के लिए इस स्ट्राइक का आह्वान किया गया। मैं मोदी सरकार को इस स्ट्राइक के माध्यम से सचेत करना चाहता हूं कि अब की बार यह स्ट्राइक तब तक जारी रहेगी जब तक इस रिपोर्ट को लागू नहीं किया जाता है। वैसे तो मोदी सरकार के पास घूमने के लिए, विदेशों में जाने के लिए लाखों रुपए का खर्चा कर देते हैं, लेकिन जीडीएस को देने के लिए उसके पास ना तो समय है ना ही पैसा है। इसलिए मैं मोदी सरकार को सचेत करना चाहता हूं कि ये हड़ताल तब तक कंटिन्यू रहेगी जब तक ये रिपोर्ट लागू नहीं की गई। वहीं हड़ताल के चलते मंडी मंडल के सभी शाखा डाकघर बंद रहे, जिसके चलते ग्रामीण क्षेत्रों में चिट्ठियां भी नहीं बांटी गई और न ही किसी तरह का कोई लेन देन किया गया। वहीं जिला बिलासपुर में भी समस्त डाकघरों में कार्यरत सभी डाक सेवक कर्मचारी जिला के मुख्य डाकघर में देशव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर पहुंचे। इस दौरान डाक सेवकों ने केंद्र की मोदी सरकार व डाक विभाग के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ के मंडल अध्यक्ष सोहन सिंह व सचिव बूटाराम ने बताया कि ग्रामीण डाक सेवक केंद्र सरकार व डाक विभाग द्वारा किए जा रहे सौतेले व्यवहार से आहत हैं, जिसके लिए पूरे प्रदेश के साथ साथ देश के डाक सेवक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। सोहन सिंह कौशल, डिवीजन प्रेसिडेंट ऑल इंडिया पोस्टल एम्प्लॉइज यूनियन ग्रामीण डाक सेवक। हम यहाँ पर हमारे लिए जो सरकार ने कमेटी गठित की थी पे डिसेंसियों को दूर करने के लिए, उसको लागू करवाने के लिए आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। जब तक हमारी ये मांग पूर्ण नहीं होती है तब तक हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। हमारी सरकार से मांग है कि इसको कैबिनेट में पड़ी हुई लगभग 2 महीने हो गए, इसको शीघ्र से शीघ्र कैबिनेट मोहर लगा के ग्रामीण डाक सेवकों को सौंपा जाए, ताकि ग्रामीण डाक सेवकों के साथ अन्याय ना हो, न्याय मिले ग्रामीण डाक सेवकों को। ये मेरी सरकार से बेहद प्रार्थना है। बड़े दुख की बात है, बड़े अफसोस की बात है कि हमारा शोषण क्यों हो रहा है। शोषण जो किया जा रहा है सरकार या विभाग के द्वारा, हमें दुख है कि हमारा जो रेगुलर स्टाफ है ये भी हमारा साथ नहीं दे रहा है। हमें बड़े दुख की बात है क्योंकि ये हमारा जो ग्रामीण डाक कर्मचारी है, इसके पीछे सर्कल है, इसके पीछे डिवीजन है, इसके पीछे सब डिवीजन है, और सारा जितना भी
विभाग है ये इसके पीछे चला हुआ है।